मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो गए क्योंकि आज है साल का आखिरी दिन, और साल का आखिरी दिन अभी सैटरडे पड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स सबको एंजॉय करेंगे। वीकेंड पे तो ऐसा ही होता है। और गाइस, जब आप लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे होगे तो न्यू ईयर आ गया होगा, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। बहुत इन्जॉय करो, बहुत नया साल आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत अच्छा रहे, और आप जो चाहे वो अचीव करो, सक्सेस हर चीज़ में आपको मिले। मतलब ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपको टेंशन दे, हर चीज़ मस्त चले। तो गाइस, न्यू ईयर मस्त इन्जॉय करना, और मेरा ब्लॉग अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइज, अभी मैं गुड़गांव निकला हूँ, और गुड़गांव के लिए निकला हूँ और गुड़गांव ही जा रहा हूँ, मुझे काम है आज। और आज बाबू को वैक्सीनेशन भी कराना है, तो ये दो मेरा काम आज मतलब ये है। तो आपसे मिलते हैं ब्लॉग में आगे, तो नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपसे रास्ते में। अभी चलेंगे, और कल आप न्यू ईयर का ब्लॉग भी आपको डालूंगा मैं, क्या प्लान है हम लोगों का, तो आपको वही पता चलेगा। फिलहाल अभी तो जो प्लान है वो आपको मैंने बता ही दिया कि बाबू का वैक्सीनेशन कराना है, और आज ऑफिस के काम से भी जाना है क्योंकि ये है फिफ्थ सैटरडे, तो हमें काम रहता है उस दिन। तो अभी गुड़गांव पहुंचते हैं, फिर रास्ते में आपको अपडेट करते हैं। इसका मौसम भी बड़ा मस्त हुआ है, हवा बहुत तेज़ चल रही है बट धूप भी उतना ही है। तो क्या बताऊँ आपको, मतलब मस्त इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई, मौसम भी ठीक है, कोई ऐसा वैसा ये है नहीं। तो अभी काम जल्दी से रैप अप करेंगे और निकलेंगे, बिकॉज मेरे को वो डॉक्टर को टाइमिंग लिया है जो मैंने, वो 4 बजे तक का है, तो 4 बजे के पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, साकेत में ही है, तो मैक साकेत हॉस्पिटल, तो वहीं पर जाना है मुझे। क्या बोल दिया मैंने, मैक्स हॉस्पिटल साकेत। तो मैक्स हॉस्पिटल साकेत पहुंचेंगे, और फिर बाबू का वैक्सीनेशन भी कराएंगे, और देखते हैं क्या क्या प्लान बनता है आज, तो आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। गाइस देख लो आज का मौसम, क्या नज़ारे, मस्त। और अभी मैं गुड़गांव पहुंचने ही वाला हूँ, 10 मिनट मैक्सिमम पहुँच जाऊँगा। और न्यू ईयर ईव पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अभी न्यू ईयर डे है, शाम को ही हो जाएगा, तो मैं तब आप लोगों को अपडेट करूंगा। बस गाड़ी में सामान रखें और बस फुल हो जाएंगे अभी। इस बस से यहाँ सब निकल ही रहे हैं, रेडी हो गए और सब कुछ पैक करके गाड़ी में रख दिए। अरे जैकेट पहन ली, इसको चेंज करना होगा अभी गाड़ी से। अभी इसको निकालते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बाबू को वैक्सीन दिलाने जाना है मुझे। निकल चुका हूँ, और देख लो आप लोग दिन में गुड़गांव, ये मैग्नोलिया है, ऐसे गुड़गांव का सबसे कॉस्टली फ्लैट। और अब इधर हम जो आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी मैं घर जाऊंगा, घर से बाबू को लूँगा, बाबू और ये हम लोग सब जाएंगे साथ में, उसको वैक्सीनेशन कराना है, तो जाना है और आना है। तो जल्दी पहुंचता हूँ मैं घर को, फिर देखते हैं कितने देर में काम होता है। ये तो एक बहुत बड़ी बात मतलब रहती है कि हाँ काम हो जाए, क्योंकि कल न्यू ईयर है, पता नहीं किसी को टाइम ही नहीं मिलेगा। ये देखो भाई लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं, भैया लेफ्ट से राइट, और गुड़गांव सेक्टर 42 का मेट्रो। तो शाम को तो इस रास्ते में लगता है कि आप निकल भी नहीं पाओगे, इतना जाम लगा रहता है, इतना जाम होता है कि यहाँ निकलना मुश्किल, और इतनी मुश्किल होगी, उस मुश्किल का कोई समाधान नहीं, आप निकल भी नहीं पाओगे। रात को बॉर्डर सील हो जाता है, बॉर्डर सील होने से भी क्रॉस नहीं कर पाता आदमी, घंटों जाम में फंसे रहो। तो बेस्ट क्या है कि जल्दी निकल गया मैं, तो वो अच्छी ही बात है। और यहाँ है मर्सिडीज़ का शोरूम इस बिल्डिंग में,
देख लो दिन में रोड कैसे दिखता है। और जो मैं बोलते रहता हूँ ना, यहाँ पे नारियल वाले बहुत सारे दुकान खोल के बैठे हैं, हर तरफ नारियल वाले ही। और ये भाई लोग को देखो रोड क्रॉस करते हैं ऐसे, और फिर क्या करते हैं, जाम लगा देते हैं। और आज देखो कैसे छोटे 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 दुकान, क्यों यहाँ पे एक है स्कूल, कोई शिवनादर स्कूल है, पता नहीं क्या है। तो देखो यहाँ पे भी कोकोनट वाले भाई साहब, यहाँ पंचर वाले ने भी दुकान डाल दी, वाह रे वाह। तो ये हर तरफ ये गेम पड़ा रहता है। तो गाइस सबसे बड़ी बात है कि जो काम हो जाए अपना, या नहीं तो न्यू ईयर के चक्कर में भी काम पेंडिंग हो जाता है, फिर मुझे एक महीना भटकना पड़ता, तो ये तो दिक्कत है। इस स्कूल की बात कर रहा था, ये स्कूल है ना यहाँ पे शिवनाडर स्कूल के चक्कर में, और यहाँ पे बहुत सारे दुकान खुल गए हैं। और देखो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ काम, मतलब कोई ना कोई कोई करते रहता है, मतलब स्कूल वाले मेंटेन करके रखते हैं। और ये गाड़ी देखो आईसुजू, मस्त है गाड़ी यार। ये रोड क्लियरेंस देखो इसका, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो कितना, मतलब कितनी ऊंची गाड़ी है ये, मस्त। पहाड़ों में ड्राइव करने में ये सबसे अच्छा है मुझे लगता है, यही इसकी जो क्या है यार, देख रहे हो रोड क्लियरेंस देख लो, मस्त गाड़ी। ये व्यू, मेट्रो जा रही है और मैं इस रास्ते में, आपको दिख रहा होगा अगर जूम करके देखें तो आ जाएगा। और ये देखो क्या व्यू है भाई साहब, पहाड़ी रोड का नज़ारा ही अलग। और ये भाई लोग यहाँ पे इतने सारे कोकोनट के शॉप खोल रखे हैं ना, देखो ये देखो यहाँ भी कोकोनट बस हर तरफ, जाड़े में भी गर्मी में भी कोकोनट ही रहता है, पता नहीं क्या है। गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली में, और आज ट्रैफिक केवल बॉर्डर पे ही है, बस बॉर्डर क्रॉस कर जाओ तो कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी आपको। और आगे देखते हैं, पता नहीं शाम को बहुत ट्रैफिक हो जाएगी, तो इससे बचने के लिए पहले भी, मतलब मेरा जो अपॉइंटमेंट है 4 बजे के पहले, मतलब 4 बजे डॉक्टर चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो ऐसे किया था, अपॉइंटमेंट 4 बजे के पहले कर लिया है। तो जल्दी से पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं यार, क्योंकि वो जो ज़रूरी है। और यहाँ देखो कितने फर्नीचर शॉप, देख रहे हो, कब फटेगा बाबू बताओ, कब पहुँचेंगे हम लोग, कैसे हो तुम्हें वैक्सीन, चलो अब घर चलते हैं, ठीक है चलेगा ना मेरे साथ। देखो अभी हम लोग चलेंगे ना अपना घर, चलें ना घर, बोलो घर चलें हम लोग घर। देख ये मैक्स हॉस्पिटल में आया लड़का और वैक्सीन लेके निकल लिया, तो अभी जल्दी से घर चलो, ठीक है। कहाँ है हम लोग बताओ, कहाँ चलेगा बात कर लो। गाइस हम लोग आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने, बोल दो वैक्सीन लग गया इसको, और ये लड़का अभी घूम रहा है बाहर, डॉक्टर ने बुलाया है थोड़ी देर में, इसको दिखाएंगे फिर चले जाएंगे। वाह रे वाह, और क्या कर रहा है बताओ बाबू, ये क्या है, ये देखो क्या है, ये पानी गिर रहा है यहाँ पे, इधर देखो बेटा क्या देख रहे हैं, इधर देखो सामने, उधर देखो, देखो उधर क्या है, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, अभी चलें घूमने। भाई लड़का इधर देखो इधर। हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा बता दे, दुकान में क्या ले रहे हैं हम लोग बता दो, एक बार बता दो,
बता दो क्या लेने आए हो तुम, बताओ बताओ क्या लेने आए हो, बता दो। इतनी लाइट है, देखो सुखो हम कहाँ आ गए, देख लो। अब तुमको घुमाने लाए ना, अब हम घर निकलेंगे यहाँ से, डॉक्टर को दिखाएंगे तुमको और फिर निकल जाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं अब यहाँ से, बोल दो गाइस आपसे मिलते हैं हम। देख लो बेटा क्या बन रहा है ये। तो गाइस घर आ गए थे और अब जा रहे हैं, थोड़ा काम है एटीएम पे, तो एटीएम से पैसे निकालेंगे और फिर पैसे निकाल के तब घर जाएंगे। तो एक बार एटीएम पहुंचते हैं और फिर एटीएम से पैसे लेंगे, उसके बाद घर पहुंचते हैं। गाइस एटीएम से पैसा निकाल लिए, घर की तरफ जा रहे हैं। कितना टाइम लगता है पहुंचने में? बाबू कहाँ है? मेरे तार पर क्यों रखे? आजा आजा आजा, हम दोनों आ गए ना हम लोग। डॉक्टर साहब ने तुम्हें क्या किया, इंजेक्शन लगा दिया ना, हैं बताओ। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर, और बाहर पटाखे चल रहे हैं, अब घड़ी में देख लो 12 बजे हैं। तो 12 बज चुके हैं और हैप्पी न्यू ईयर, आपका नया साल बहुत अच्छा हो, बहुत आप तरक्की करो, बहुत सक्सेस पाओ, सब कुछ अच्छा हो, भगवान आपको सारी खुशियां दें। तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होप करता हूँ मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ नए साल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना लाइक करना है कमेंट करना है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।